सब्सक्राइब करें कुकिंग विद अनीता को और नए रेसिपीज देखने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। हेलो नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कुकिंग विद अनीता में। आज मैंने आप लोगों के साथ फ्रिज में थोड़ी थोड़ी जो बची सब्जियां बच जाती हैं उसको मिलाकर मैंने ये सब्जी बनाई है। बिना प्याज लहसुन की ये सब्जी है और इसे मैंने गर्म मसाला पर बनाया है। बनने के बाद बहुत ही स्वादिष्ट लगती है ये सब्जी। तो चलिए हमारे किचन में मिलकर बनाते हैं ये थोड़ी थोड़ी बची हुई सब्जियों को मिलाकर एक सब्जी। लेकिन किचन में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर डालें। मेरे फ्रीज में जो थोड़ी थोड़ी सब्जियां बची हुई थी, तो ये थोड़े से मटर, ये बीन्स थोड़े से हैं, 8-10 फलियां बीन्स की हैं, दो गाजर हैं, दो शिमला मिर्च है, ये थोड़ा सा पत्ता गोभी है, आलू है और ये टमाटर है। मैं इनकी सब्जियां बनाऊंगी। और अगर ऐसे ही आप कच्चे केले बचे हुए हैं या थोड़ा सा पनीर बचा हुआ है तो आप उसे भी इन सब्जियों के साथ मिक्स कर सकते हैं। तो चलिए इसकी सब्जी बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं इनके छोटे छोटे काट लूँगी, इसे काट लूँगी, इसे भी काट लूँगी, इसे भी काट लूँगी, आलू और पत्ता गोभी सबको काट लेते हैं। तो देखिए मैंने सारी सब्जियों को मनचाहे शेप में काट लिया है। आप भी काट, जो बची हुई थोड़ी थोड़ी सब्जियां सबको मनचाहे शेप में काट लें। और यहाँ पर मैं ये बॉयल आलू रखी हूँ, आप चाहे तो कच्चे आलू भी रख सकते हैं या आलू स्किप भी कर सकते हैं, उसकी जगह कच्चे केले, पनीर ये सब डाल सकते हैं। तो अब मैं इस सब्जी को बनाने के लिए मैंने गैस ऑन कर दिया है, उस पर कढ़ाई रखी है और उसमें सर्विंग स्पून से 2 चम्मच तेल डाला है। मैं इसे रिफाइंड ऑयल में बना रही हूँ। तो सबसे पहले फोरन डालते हैं इसमें। तो फोरन के लिए देखिए ये मैं थोड़े थोड़े साबुत मसाले रखी हूँ, जिसमें कि लौंग, ये थोड़ी सी दालचीनी है, बड़ी इलायची है, काली मिर्च है, तेज पत्ता है। तो सबसे पहले तो आप 1/2 टीस्पून जीरा डालिए, साबुत जीरा डालने के बाद ही तुरंत आप इन सारे चीजों को डाल दीजिए। 1 साबुत लाल मिर्च डाल दीजिए और धीरे धीरे करके इन सारी सब्जियों को इसमें आप डालिए और गैस को सिम कर दीजिए। सब्जी डालते समय गैस सिम कर दीजिए। बहुत जल्दी ये सब्जी बन जाती है और एक टेंशन भी रहता है कि थोड़ी थोड़ी बची सब्जियों का क्या करूं। तो आप बनाएं इस तरह से सब्जी, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनेगी। और इसे मैं बिना प्याज लहसुन का बनाऊंगी। मैं सारी सब्जी डाल दी। अब पत्ता गोभी मैं थोड़ा सा 1 मिनट रुक कर डालूंगी। पहले इन सब्जियों को मैं 1 मिनट भून ले रही हूँ। थोड़ा सा इसलिए भून लेते हैं कि इसका हल्का सा कच्चापन थोड़ा बहुत जल्दी नहीं निकलता है, थोड़ा 1 मिनट भूनना पड़ता है और पत्ता गोभी में पानी भी छोड़ देता है, तो इसीलिए मैं उसे 1 मिनट के बाद डालूंगी। ठीक, लो मीडियम फ्लेम पे गैस को कर दीजिए। इसे ढक ढक करके 1 मिनट पहले भून लीजिए। तो देखिए ये 1 मिनट मैंने इसे भूना, ये भून गया है। अब मैं इसमें ये पत्ता गोभी भी डाल दे रही हूँ और मैंने बहुत ही पतले पतले पीसेस नहीं किए हैं, मैं थोड़े से हल्के से मोटे मोटे ही रखी हूँ। पत्ता गोभी के साथ इस मटर को भी डाल दें, इसे चलाएं। अब सबसे पहले आपकी थोड़ी सी 1/2 टेबल स्पून में हल्दी पाउडर डाल दें और स्वाद के हिसाब से नमक डाल दें इसमें और फिर इसे चलाती हूँ। वापस मैं इसे 20-25 सेकंड के लिए ढक के छोड़ दे रही हूँ। तो देखिए 20-25 सेकंड हो गए, मैं ढक्कन हटा ले रही हूँ और वापस इसे चला लेते हैं। और अब गैस को मैं सिम कर दे रही हूँ। इसे बहुत तेज आंच पे मैं नहीं बनाऊंगी। देखिए ये हल्का सा सिक भी गया है। अब इसमें मैं ये हरी मिर्ची, मैंने एक हरी मिर्ची को काट के रखा है, वो मिला रही हूँ और ये थोड़ा सा अदरक का पेस्ट है, ये 1/2 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट है, वो डाल रही हूँ। अब मैं इसमें
ये टमाटर मैंने काट दिए थे उसे भी डाल दे रही हूँ। अब ये सूखे मसाले जो हैं, ये धनिया पाउडर है, इसे मैं 1.5 टेबल स्पून डालूँगी। 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर डालूँगी, ये 1 टेबल स्पून ये लाल मिर्च पाउडर डालूँगी। ये थोड़ा सा सब्जी में, इसमें मसाले तेज़ होते हैं तो ये सब्ज़ी बहुत चटपटी होती है, तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा हल्का सा तेज़ मसाला मिलाएं आप। तो देखिए ये मसाले सारे मैं डाली दूँ, नमक मैंने डाली दिया है। अब इसे ढक ढक करके मैं 3-4 मिनट पकाऊंगी। तो चलिए ढककर इसे पकाते हैं। 1-1 मिनट के बाद सब्जी को चला लें और ये देख लें कि सब्जी पक रही है कि नहीं, या नीचे से लग तो नहीं रही है। अगर आपको लगे कि सब्जी कुछ पानी नहीं छोड़ रहा है, ये नीचे से कढ़ाई में सब्जी लग रही है, तो आप बिल्कुल ये 2 चम्मच पानी आप ऐसे डालकर और वापस ढक दें और कम से कम इसे 3-4 मिनट तक धीरे धीरे पकाएं। तो देखिए ये हमारी सब्जी पक गई है। मैं 1/4 टेबल स्पून गर्म मसाला पाउडर मिला रही हूँ और इसमें आप अपने घर की फ्रेश मलाई जो होती है वो मैं 2 चम्मच डाल दे रही हूँ। इससे सब्जी का स्वाद बहुत अच्छा आ जाएगा और बहुत अच्छा सब्जी बहुत अच्छी लगेगी। और ये मलाई डालने के बाद मैं इसमें ये कसूरी मेथी भी डालूंगी। तो ये 2 चम्मच कसूरी मेथी है, उसे आप लें और ऐसे ऐसे करके इसे मिला दें। कसूरी मेथी डालने के बाद आप सब्जी को अच्छी तरह से चला दें ताकि ये मलाई भी चारों तरफ से अच्छे से लग जाए। आप तो इसे वापस ढक दें 1 मिनट के लिए। तो मलाई डालने के बाद ये और कसूरी मेथी डालने के बाद 1 मिनट और सब्जी को कढ़ाई में पकने दें और इसे बीच बीच में चला भी लें। तो देखिए ये हमारी सब्जी कितनी अच्छी दिख रही है और इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो बस इसे चलाएं, चला करके और फिर इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी मिला दें। गैस बंद कर दें, हमारी सब्जी तैयार हो गई है। तो चलिए अब इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो हमारी ये सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अब इसे एक बाउल में मैं निकाल लेती हूँ। और इस सब्जी को आप गरम गरम ही खाएं, बहुत स्वादिष्ट लगेगी ये सब्जी। तो देखिए ये सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई है और आप इस बाउल में भी निकालने के बाद हल्का सा हरा धनिया डालकर आप इसे सर्व करें। तो ये इस तरह से थोड़ी थोड़ी बची हुई सब्जियों की जो मैंने सब्जी बनाई है, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो आप भी बनाएं, खाएं और मुझे बताएं ये आपको कैसी लगी। ये सब्जी पसंद आई तो इसे लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।